हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस माइनक्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं बेटर माइनक्राफ्ट मॉड पैक और यह है हमारा एपिसोड 1। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और मुझे मिली है एक बुक, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लिक करने से हमें दो बुक्स और मिली हैं और उसके बाद ये कुछ एनिमल डिक्शनरी है और पता नहीं एक और है। सो गाइस, ये है सारे हमारे क्वेस्ट, तो इन सब चीज़ों को हमें इन सीरीज में जो है वो मारना पड़ेगा, तो हम इन सबको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मारेंगे और उसके बाद जो है इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये जो मॉड पैक है ये बहुत ही डेंजरस मॉड पैक है और इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 260 प्लस जो है वो मॉड्स हैं। ये बेटर माइनक्राफ्ट जो है उसका प्लस एडिशन है, तो इसमें ऑलमोस्ट 260 प्लस जो है वो मॉड्स हैं। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आते ही जो है वो एक ड्रैगन जो है वो मिल चुका है। तो चलिए गाइस, हम इस विलेज में आ चुके हैं। अब इस विलेज को मैं लूटने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक और ड्रैगन है, तो हमें ड्रैगन्स जो है इनसे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी जो है वो अटैक कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये मुझ पर अटैक करें क्योंकि अभी जो है गेम की इस मोड पर इनसे बचना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद इस विलेज में जो है वो कुछ गार्ड विलेजर्स भी हैं। ये एक मोर विलेजर मॉड पैक है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत सारे विलेजर्स जो है वो देखने को मिलेंगे और उनके प्रोफेशन और उनके नेम्स भी देखने को मिलेंगे। बट जो है इस घर के अंदर मुझे कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं और मैं इस ड्रैगन से बचते हुए यहाँ पे घर के अंदर घुस जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है बेस्ट डायरी, क्या नाम, ऐसी कुछ नाम है इसका। और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक कि इस पे कोई बुक लगानी है। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ गोल्ड मिल चुका है, कुछ सिल्वर मिल चुका है, कॉपर, ये भी मैं जो है वो कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस वक्त ओर्स की जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद ये विलेजर जो है ये कुछ मेन्यू स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो मेन्यू स्क्रिप्ट आई थिंक कि हमें इस बुक के अंदर मेन्यू स्क्रिप्ट लगानी पड़ेंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट जो मॉब्स एंड ड्रैगन्स हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। बट मेन्यू स्क्रिप्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? ओके, इसके पास से मिले। मुझे कुछ एमरल्ड चाहिए होंगे ताकि मैं इस जो है विलेजर से मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बाय कर सकूं और मुझे आई थिंक हर एक के लिए 3 मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए, तो हमें बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट लगेंगे, तो मुझे कुछ एमरल्ड जो है वो चाहिए होंगे इससे लेने के लिए। तो चलिए गाइस, थोड़ा और विलेज को जो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है वेस्टून, तो इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगर किसी दूसरे वेस्टून पे क्लिक करेंगे तो हम एक वेस्टून से दूसरे वेस्टून तक जो है हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। और विलेज में जो है खाने का एक अच्छा खासा सोर्स होता है जहाँ पर मैं सारी हे बेल को माइन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छी खासी ब्रेड मिल सके जिससे मैं सर्वाइव करूँगा। ओके गाइस, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जमा करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, तो हमारे पास 16 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तो आप इनको जो है ये डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर जो है इस पर ऐड करेंगे और इसके बाद हमें इस चीज़ों के बारे में जो है वो डिटेल्स मिलेंगी आई थिंक मे बी। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि लाइटनिंग ड्रैगन, तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता चलेगा, ये क्या करता है, कैसे करता है, इससे क्या क्या ड्रॉप होता है, हम क्या क्या बना सकते हैं, तो ये मतलब काफ़ी एक अमेजिंग सी चीज़ जो है हमें मिल चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके। और उसके बाद अभी इस विलेज को और थोड़ा लूट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे और हमें क्या कुछ खास मिलता है और उसके बाद फिर आगे हम अपनी जर्नी पे निकल जाएंगे। गाइस, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं आई डोंट नो कि ये क्या है, बट मैं इसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। ओ माय गॉड गाइस, ये तो उड़ भी रही है। ओके, तो अभी इन चीज़ों से बच के रहते हैं क्योंकि अभी तक ना ही मेरे पास कोई अच्छा सा आर्मर है और ना ही मेरे पास कोई अच्छा सा वेपन है। तो यहाँ पे ये हमारा मैप है, अभी हमने बस ये वाला एरिया जो है ये हमने इसको है डिस्कवर किया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एरियाज देखते हैं। मुझे एक अच्छी सी जगह की तलाश है जिससे मैं जो है अपना जो घर उसको कह सकूं और वहाँ पे अपना बेस जो है वो सेटअप कर सकूं, क्योंकि मुझे अपने बेस के लिए एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए। और जिस लोकेशन को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो है ओवरग्राउंड स्टोन का फॉरेस्ट, तो वो एक काफ़ी अच्छी जगह होती है। और ये किसका शेडो है? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लोटिंग आइलैंड्स भी हैं,
जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम आगे जाके इनको देखेंगे। और हमारी यहाँ पे पहली रात होने वाली है, तो जल्दी से यहाँ पे नाइट को स्किप करते हैं, क्योंकि मैंने एक बेड जो है वो चुरा लिया है, और उसके बाद फिर आगे जब हम एक अच्छी सी जगह की तलाश करते हैं, मैं कुछ बुक्स जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा ताकि मैं एन्चेंटिंग टेबल बनाऊँ। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं गुजर रहा था और उसके बाद मुझे ये दिखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, बट ये एक बी हाइव था। और ये क्या चीज़ है भाई? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉट्स हैं, इसको माइन कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से हमें मिले कुछ क्रिस्टल्स। ओके नाइस, इनको नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे ये रीस्पॉन कैटलिस्ट, अच्छा ये आफ्टर लाइट जो मॉड पैक है उसकी वजह से यहाँ पे ये स्पॉन हुआ है। तो ये अजीब सा स्ट्रक्चर, अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं। हम इसको भी माइन कर सकते क्या? रिचुअल आल्टर। ओके, तो ये चीज़ें मैं अपने पास रख ले तो मैं भी कुछ जो है वो अनलॉक हो जाए हमारी इन्वेंटरी में, तो उसको बाद हम इसको देखेंगे क्या करना है। बट इस वक्त सबसे पहली जो तलाश है गाइस, वो मुझे एक अच्छी सी जगह की तलाश है जहाँ पे मैं अपना बेस जो है वो सेटअप कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आई थिंक ये स्टेबल है। ओके, यहाँ पे स्टेबल मास्टर है, और यहाँ पे ये ब्रेड से जो है हमें एमरल्ड ट्रेड कर रहा है भाई। वाओ यार, मतलब मोर विलेजर जो मॉड पैक है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मॉड पैक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ हॉर्सेस भी मिल रहे हैं, इसकी स्पीड है 0.25, बाकी क्या है 0.17। ओके, बहुत ही बकवास डोंकी है, इसको नहीं चाहिए 0.2। ओके, सो आई थिंक मैं 0.25 वाला जो हॉर्स है इसको अपना पेट बनाऊंगा, और इसके लिए अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दो गाइस कमेंट सेक्शन में जल्दी। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड, थोड़ी सी ब्रेड ट्रेड करने के बाद हमें अपना सैडल जो है वो मिल चुका है, और उसके बाद अब मुझे लीड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद अब वक्त आ चुका है इसको टेम करने को, और ये टेम हो चुका है गाइस, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अब हमारे पास एक हॉर्स है, गेम के पहले एपिसोड में हमारे पास एक हॉर्स आ चुका है, और गाइस अब आई थिंक जो है वो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वाओ गाइस, मेरे इस पेट के लिए एक अच्छा सा नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहा है। और उसके बाद गाइस हमारा पहला जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड हमें मिल चुका है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे और अपने जो है वो लोकेशन ढूंढने का इंतज़ार करें। ओके, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ इस वीर सी जगह पे, और आई डोंट थिंक कि हमारा हॉर्स जो है यहाँ से आगे जाएगा, तो आई थिंक हमारे प्यारे हॉर्स को यहीं पे रुकना पड़ेगा। मैं इसके लिए बाद में फिर से वापस आ जाऊँगा, बट अपना सैडल जो है वो मैं यहाँ पे अभी ले लेता हूँ, और उसके बाद मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको लूट करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। ओके गाइस, इसमें इतनी अच्छी लूट नहीं थी, बट मुझे यहाँ पे कुछ एक डिसेंट सा जो है वो आर्मर मिल चुका है, और उसके बाद आई थिंक कि अभी इसका सेकंड फ्लोर जो है वो बाकी है। ओके, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे इसको लूट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद गाइस अभी मुझे जो ओवरग्राउंड स्टोन फॉरेस्ट है वो अभी भी नहीं मिला है, और मुझे जो है वहीं पर अपना बेस सेटअप करना है, क्योंकि वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या, प्रोटेक्शन टू प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन टू के साथ जाऊँगा। ओके गाइस, और यहाँ पे आई थिंक कि रात भी होने वाली है, तो मुझे लगता है नाइट स्केप करने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर से निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ खास इतना अच्छा खास यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। सो नाइट स्केप करते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ इस अजीब से दिखने वाले टावर में, और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, तो अब देखते हैं ऊपर क्या है। वाओ गाइस, इसमें तो बहुत सा, ओ शिट, आई थिंक कि कुछ हुआ गाइस, कुछ हुआ, शिट, ओ माय गॉड भाई, हमने सब कुछ खो दिया गाइस। मुझे लगा ही था कि यार वो ट्रैप होगा यार भाई, इतनी अच्छी जो है वो हमें एन्चेंटेड बुक्स मिलने वाली थी, बट सब खत्म हो चुका है गाइस, यहाँ पे सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। शिट यार, मुझे पहले ही अजीब लगा था, क्योंकि इस जो है टावर में कोई भी मॉब नहीं था, तो मुझे समझ जाना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं गाइस, सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी बुक्स चली गई। वहाँ पे 5-6 जो है एन्चेंटेड बुक्स थी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है अमेजिंग सी एन्चेंट बुक थी। बट गाइस चलो चलते हैं, अभी मे बी हमें कोई और टावर मिल जाएगा, बट अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो है एपिसोड को आज एंड भी करना है और मुझे लोकेशन भी चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की थी, और मुझे उसके बाद यहाँ पे ये अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और इसके अंदर कोई भी मॉब नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे ये क्या है? ओके, ओ शिट,
ओ शिट। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होगी, तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। तो अभी गाइज यहाँ पे इतना एरिया हमने डिस्कवर कर लिया और अभी तक हमें कोई अपनी जो है वो लोकेशन नहीं मिली है। मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद में भी हमें जो है अपनी लोकेशन मिल जाए और उसके बाद हम अपना बेस सेटअप करें। तो यहाँ पे चलते चलते मुझे एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया और यहाँ पे अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सो जाके देखना होगा कि यहाँ पे क्या है। मे बी यहाँ पे ओके। सो गाइज, ये है एक अंडरग्राउंड विलेज जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे है एक अंडरग्राउंड विलेज और यहाँ पे हमें मिल जाएंगे विलेजर्स। तो ये एक अच्छी खासी जगह हो सकती है हमारे जो ट्रेडिंग हॉल को सेटअप करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग हॉल के लिए हमें एक ऐसी सी जगह की तलाश रहती है। और यहाँ पे हमें विलेजर्स भी मिल जाएंगे और ये लोकेशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एक ट्रेडिंग हॉल सेटअप करने के लिए। सो मे बी जो है हम अपना ट्रेडिंग हॉल जो है वो यहीं पे सेटअप करेंगे। और उसके बाद कहीं पे विलेजर्स नहीं दिखाई दे रहे। मे बी सारे विलेजर्स मर गए होंगे पानी की वजह से शायद। बट मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे है वांडा जी, हेलो। ओके, तो यहाँ पे एक ही विलेजर है क्या? मे बी गाइस और भी विलेजर होंगे यहाँ पे छिपे हुए होंगे। तो ये एक अच्छी खासी जगह मुझे लग रही है एक ट्रेडिंग हॉल सेटअप करने के लिए, जो कि आगे आने वाले एपिसोड में हम अपना ट्रेडिंग हॉल सेटअप करेंगे। और गाइस इसमें बहुत सारी हमें एन्चांटेड बुक्स मिलेंगी डिफरेंट तरह की, क्योंकि यहाँ पे एन्चांटेड बुक वाला मॉड जो है वो भी है। तो विलेजर्स जो है वो बहुत ओपी से एन्चांट्स देंगे। ओके, तो यहाँ पे आयरन के ब्लॉक से, बट मैं माइन नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे पास पिकेक्स जो है वो नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइज, हम फिर से वहाँ पे वापस आएंगे और उसके बाद इस सारे आयरन को कलेक्ट कर लेंगे। बट अभी के लिए गाइज आई थिंक कि यहाँ से मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि एपिसोड में जो है एंड करना और यहाँ पे काफ़ी ज़रा टाइम हो चुका है मुझे ढूंढते। और गाइज मैं चाहता हूँ कि अपना जो बेस है मैं वहीं पर सेटअप करूँ और कहीं पर ना करूँ। सो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ उस लोकेशन को ढूंढने के लिए, क्योंकि गाइज वो बहुत ही ज़्यादा ओपी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन है। जब आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे भाई यार क्या अमेजिंग सी लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक और जो है टावर दिखाई दिया और यहाँ पे मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। सो या गाइज, इसके नीचे जो है वो TNT था, इसलिए जो है वो अचानक से फट गया। बट इस बार जो है हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और जितने भी ब्लॉक्स हैं इसके आसपास मैं यहाँ पे सारे तोड़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे पास अगर पिकेक्स होती तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, बट बेड भी एक अच्छा खासा जो है वो माइनिंग इक्विपमेंट साबित हो सकता है, ये मुझे आज पता चला। ओके, सो या गाइस, इसके आसपास का सारा एरिया जो है वो मैं खाली करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ इसको एक्टिवेट कर दे। तो यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स जो है इसको मैं माइन करूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी गाइस मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और उसके बाद ये वाला ब्लॉक जो है इसको माइन करने के बाद आई थिंक कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके, तो अभी ये चेस्ट बिल्कुल फ्री है और अब इसकी मैं देखते हैं। ओ माय गॉड गाइस, मेंडिंग शार्पनेस 8 फॉर्च्यून 2। ओ भाई, देखा गाइस आपने कि इसमें कितनी अमेजिंग सी एन्चांटेड बुक्स हैं। और आई थिंक जो पहले वाला टावर था उसमें भी ऐसी एन्चांटेड बुक्स होती, बट हमने वो सारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इस बार हमने कोई गलती नहीं की और यहाँ पे हमारी सारी बुक्स सेफ है। मुझे फॉर्च्यून 2 भी साथ में लेनी है, क्योंकि जैसे ही हमें डायमंड्स मिलेंगे तो मैं पिकेक्स बना लूँगा और उसके बाद उसको एन्चांट कर दूँगा। तो ये वाली फॉर्च्यून 2 हमें चाहिए। शार्पनेस 8 भी मुझे अपने पास रखनी है, क्योंकि ये वाली एन्चांटमेंट भी जो है ये मैं लगाऊँगा अपने सॉर्ड पर बहुत जल्दी। तो बट अभी हम यहाँ पे इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वापस आएंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पास में विलेज है जहाँ पे मैंने अपना वेस्टून जो है उसको लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक मार्कर भी सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर हमें आने में आसानी हो जाए। सो या गाइज, अभी भी हमें अपने बायोम नहीं मिले, तो मुझे लगता है मुझे एक नेचर कंपास बनाना पड़ेगा और उसके बाद देखेंगे। तो हम यहाँ पे मेरे मैप के ऊपर एक अजीब सा निशान आ रहा है और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखने जा रहा हूँ। ओ शिट गाइस, ओ शिट, ओह ओके, कोई बात नहीं गाइस, हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और मैं अभी अपना जो है वो सामान बहुत जल्दी ले लूँगा। तो चलो चलते अपना सामान लेते हैं पहले। ओके, मैं आ चुका हूँ वापस। और ट्रांसफ़र आइटम्स, ये सही है यार कि जब तक आप जो है वो अपने आइटम नहीं लेंगे तब तक ये डिस्पॉन नहीं होगा। तो ऊपर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे मैप पे दिखने वाली ये अजीब सी चीज़ असल में एक स्पेस शिप है। ओके,
और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, और मैं बिल्कुल भी जो है इसके ऊपर इसके पास नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे स्पॉनर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे मॉब्स हैं। तो ये अरे यार ये कैसे यहाँ पे नीचे लग गया। तो यहाँ पे इसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो है वो जगह दिखाई दे रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे भी बहुत सारे मॉब्स हैं। मे भी फ्यूचर में हम इस स्पेसशिप को जो है वो रेड करेंगे और उसके बाद जितनी भी लूट होगी वहाँ से वो कलेक्ट करेंगे। बट अभी गाइस मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अभी अभी जो है अपना मर के ज़िंदा हुआ हूँ और मुश्किल से मुझे अपना सामान मिला है, तो दोबारा मैं ये गलती नहीं करना चाहूँगा। और उसके बाद गाइस अब मुझे लगता है कि एक नेचर कंपास बनाऊँगा और उसके बाद जर्नी को आगे करूँगा। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो ये है एक ड्रैगन का स्केलेटन जो कि मरा हुआ है, थैंक गॉड, नहीं तो हमारे मरने के चांसेस रहते। सो या गाइस वो एक ड्रैगन स्केलेटन था, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद हम अपनी जर्नी को जो है वह कंटिन्यू रखे हुए हैं और आया मुझे कुछ सामान चाहिए जिससे मैं एक नेचर कंपास बना लूँगा। और नेचर कंपास बनाने के बाद गाइस हम कोई भी बायोम जो है उसको सर्च कर सकते हैं और उसकी तरफ जो है वो पॉइंट करेगा तो हम वहाँ पे इजीली जो है वो पहुँच सकते हैं अपने बायोम में। तो या गाइस मुझे चाहिए ओवरग्राउंड स्टोन फॉरेस्ट, तो उसके लिए जो है हमें एक नेचर कंपास लेगा क्योंकि गाइस ऐसे जो है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं बहुत टाइम से जो है वो सर्च कर रहा हूँ। सो या गाइस जैसे ही मिलती है तो उसके बाद आपको बताएंगे और वहाँ पर अपना बेसअप सेटअप करेंगे। ओके तो यहाँ पे गाइस क्या आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आइस ड्रैगन और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे देख ले, तो यहाँ से जल्दी जल्दी से निकलते हैं। ओ माय गॉड गाइस इसकी आवाज़ें जो है वो बहुत ही ज़रा ख़तरनाक है, तो जल्दी यहाँ से भाग भाग के निकलते हैं भाई क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइस ये मुझ पर अटैक करे। ओ शिट आई थिंक गाइस इसने मुझे देख लिया है, आई थिंक इसने मुझे देख लिया, इसने मुझे देख लिया गाइस, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ओ शिट 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 भाई, अरे 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 यार। ओके गाइस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। शिट 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 ओह यहाँ पे एक विच हाउस है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो भाई जल्दी से निकलते हैं यहाँ पे। ओ शिट गाइस ओ शिट अभी भी ये मेरा पीछे कर रहा है, आई थिंक मैं मर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा। ओके डेड, मुझे पता था गाइस मुझे पता था ये मैं मर जाऊंगा। आइस एंड फायर मॉब की वजह से वो ड्रैगन आया है और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ स्पान के पास, तो अब मुझे वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बट मैं पहुँच जाऊँगा गाइस। सो हम इतना एरिया जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, तो चलो चलते हैं अपना सामान लेते हैं गाइस, लेट्स गो। बाप रे ओके तो हमने अपना सामान जो है वो ले लिया और उसके बाद ये क्या जगह है, क्रॉलर कोई मॉब लगता है यार। ओके कोई मॉब है मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या है। ओ शिट चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। ओ शिट पॉइजन इफेक्ट है गाइस, पॉइजन इफेक्ट है बट हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। गाइस हर चीज़ जो है यहाँ पे इस वाले वर्ल्ड में मुझे मारने की कोशिश करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मॉड पैक है और इसमें बहुत सारे ऐसे मॉब्स हैं यार, मतलब हर चीज़ जो है वो हॉस्टाइल है। तो यहाँ पे मैं अपना एक ब्लॉक बना लेता हूँ स्लाइम का और उसके बाद गाइस अब हम बनाने वाले हैं स्लाइम स्लिंग। तो इससे जो है हमें इसके लिए चाहिए बूट्स, तो बूट्स के लिए मुझे और स्लाइम कलेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा और स्लाइम कलेक्ट करने के बाद गाइस हम बनाएंगे बूट्स और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या करता है। ओके तो हमें चाहिए दो ब्लॉक्स, ब्लॉक्स बन गए। ओके तो वेट ए सेकेंड, तो अब हमें ब्लॉक्स नीचे जो है वो प्लेस करने हैं और उसके बाद ऊपर एक एक स्लाइम, तो यहाँ से बन जाएंगे हमारे बूट्स। और उसके बाद इन बूट्स को लगाने के बाद अब होगा मैजिक का। वेट ए सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड अगर मैं ऊपर जा पाऊँ तो। ओके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पहन लिए हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम इनको टेस्ट करें। तो यहाँ से नीचे छलांग लगाते हैं। ओके या
सो गाइज, स्लाइम बूट से हम जो है बाउंस बैक हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइम स्लिंग है, तो इससे जो है हम एक स्लिंग शॉट लेंगे, तो ये हमें जो है एयर में बाउंस कर देगा, और उसके बाद हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज, अभी ट्रैवल करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा एक जगह से दूसरी जगह के, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एक स्लिंग शॉट लेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऊँचा जो है वो हमें ये बाउंस कर देता है, बट अगर हम इसको एक एंगल पे जो है वो स्लिंग शॉट लें, तो यहाँ पे ये हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो काफ़ी दूर तक फेंक देगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पे ट्रैवल करना जो है इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लें, जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस ये कितने दूर हमें जो है वो बाउंस कर रहा है, और उसके बाद ऐसे जो है वो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और हम बहुत ही जल्दी जो है वो बहुत सारा एरिया ट्रैवल कर पाएंगे, और मे भी गाइस जो है हमें अपने जो है बायोम जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। सो या गाइस, अभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमें आगे और क्या मिलता है। तो या ओके गाइस, हम आ चुके हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा तलाश थी, तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मुझे एक नेचर कंपास बनाना पड़ा जिसकी मदद से हम यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या एरिया है जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया है। सो हमारा बेस जो है यहीं पर सेटअप होगा। एक सेकेंड, मैं ऊपर किसी तरह अगर जा सकूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया कैसा है। ओके गाइस, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ऊपर, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा एरिया, तो ये हमारा होने वाला है होम। सो या गाइस, इस बायोम की मुझे तलाश थी, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी दिखने वाली बायोम है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद अभी रात हो चुकी है, तो जल्दी से स्किप करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम मैंने अपना जो है वो टेम्परेरी जो स्टार्टर बेस यहाँ पे सेटअप कर दिया है, वेस्ट स्टोन लगा देता हूँ, और उसके बाद हमारा जो जगह जिसको हम होम कह सकते हैं वो बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। बट अभी हमें जाना है माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सर कुछ भी आयरन नहीं बचा है, और मुझे कुछ आयरन के टूल्स बनाने हैं, और मे भी कुछ आर्मर बनाना है। सो या गाइस, अब वक्त आ चुका है कि हम अपना माइनिंग सेटअप जो है वो भी कर लें, और ये जगह बिल्कुल अमेजिंग है हमारे माइनिंग सेटअप के लिए। सो मेरे पास दो वेस्ट स्टोन है, एक हमारा ऊपर बेस पे रहेगा और दूसरा हमारा नीचे माइन में रहेगा, तो हम बहुत ही ईजिली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। बट मेरे पास कोई भी आयरन नहीं है, कोई बात नहीं। सो हम आ चुके हैं नीचे, और उसके बाद सबसे पहले मुझे कुछ वुड चाहिए होगी, जिससे मैं कुछ टॉर्चेस बनाऊंगा, और उसके बाद कुछ स्टिक्स बनाऊंगा ताकि मैं बेसिक से टूल जो है वो अपने बना सकूँ। और उसके बाद हम एक्स का यूज़ करके ये सारी वुड एक साथ जो है वो वेन माइन कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो चीज़ है वो लगती है इस मॉड की, कि हम जो है वुड बहुत ईजिली हम वुड जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सो चलो चलते हैं, और उसके बाद कुछ प्लैंक बना लेते हैं, उसके बाद कुछ स्टिक्स, और स्टिक्स बनाने के बाद मुझे बनानी है एक पिक एक्स ताकि मैं जो है वो माइनिंग कर सकूं। और गाइस, हम बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट नीचे माइनिंग करेंगे 2x2 ब्लॉक में, क्योंकि हमें जो है वो वेस्ट स्टोन सेटअप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे माइंस में, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा जो है वो माइनिंग एरिया है, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ओर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल हमें कुछ भी माइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हर जगह मुझे ओर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से इस एरिया को लाइट अप करते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत माइनिंग करते हैं, और मे बी हम डायमंड ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ डायमंड चाहिए थे। और उसके बाद गाइस, अब मैं आपको इन मॉड पैक्स के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। सो या गाइस, इसको लाइट अप करते हैं। ओके गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर वापस, और उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ एक और जो है वो टूल। हमें अपना क्राफ्टिंग ग्रिड एक्टिवेट किया, और उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ एक पिकैक्स ताकि हम बहुत जल्दी जो है वो माइनिंग कर सकें, क्योंकि स्टोन की पिकैक्स जो है वो माइनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे कुछ ओर्स चाहिए ताकि वो मैं ओर्स कलेक्ट करूँ, तो सबसे पहले एक एक्स बना लेते हैं और चलते हैं वापस। सो या गाइस, हमारा जो है मैंने एक छोटा सा जो है वो स्टार्टर बेस यहाँ पे सेटअप कर दिया है, अभी इसको थोड़ा डेकोरेट नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने कुछ चेस्ट प्लेस कर दी, और उसके बाद अपना वेस्ट टूल लगा देते हैं, और उसके बाद इसको नाम देते हैं होम। सो या गाइस, मैंने एक वेस्ट टूल नीचे माइन में सेटअप कर दिया, और एक ऊपर सेटअप कर दिया, तो हम बहुत ईजिली ऊपर नीचे जा सकते हैं। और उसके बाद अपने आइटम्स को थोड़ा मैं सॉर्टिंग करूँगा अभी, और उसके बाद मैंने जो है चेस्ट प्लेस कर दिए हैं हर जगह पर। सो या गाइस, अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल एक जगह पर लगाना है, और अभी हम जो है मैं इसको क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे लगा देता हूँ। मुझे दो क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होंगे, क्योंकि जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो या गाइस, एक सेकेंड। ओके, तो हमने जो है वो क्राफ्टिंग टेबल सेटअप कर दिया है, तो अब मुझे बनाना है एक हैमर,
हैमर बनेगा वुड को इस तरह से इस डायरेक्शन में प्लेस करने से। तो जैसे ही हम हैमर बनाएंगे तो हमें जो है टेट्रामोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हम इस हैमर से क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो हमारा क्राफ्टिंग टेबल जो है वो एक वर्क बेंच बन जाएगा। सो गाइस, वर्क बेंच क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जैसे वर्क बेंच बनेगा तो हमें एक जो है वो और भी मिलेगी जिसको हेलोस्फीयर कहेंगे। सो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वर्क बेंच है गाइस, इससे हम किसी भी टूल को जो वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दो हैमर्स हैं। सो अभी हमें एक हैमर को जो वो जो है अपग्रेड करना है, और उसके बाद अगर हम हेलोस्फीयर को यूज़ करेंगे तो आपको ये जितने भी टूल्स होंगे उनके बारे में ये बता देगा कि भाई उनके ऊपर हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हेड को अपग्रेड करना चाहूँगा तो ये सारे टूल्स के हेड आ जाएंगे, और उन हेड को मैं किस किस में जो है वो अपग्रेड करना चाहूँगा तो ये सारी उसकी डिटेल दे देगा, और उनको अपग्रेड करने से क्या क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें बता देगा। सो सबसे पहले मैं अपना हैमर जो है उसको अपग्रेड करूँगा, और उसके बाद हम अपनी पिकैक्स को अपग्रेड करेंगे। तो चलिए ओके गाइस, तो अभी मैं अपने हैमर पे जो है इसको मैं लेवल जो है वो 2 का बना रहा हूँ। सो हमें 2 आयरन लगेंगे, और उसके बाद 2 आयरन एक साइड और 2 आयरन हेड की दूसरे साइड। तो ओके, 2 आयरन से तो यहाँ पे हमारा जो है ये हैमर लेवल 3 का हैमर बन जाएगा। सो हमारा लेवल 3 का हैमर बन चुका है, और उसके बाद गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम अब अपनी पिकैक्स को उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिकैक्स के हेड को अपग्रेड करूँगा आयरन के, हमारे पास स्टोन की पिकैक्स है तो इसको आयरन का बनाएंगे। एक साइड जो है वो आयरन का बन चुका है, अब दूसरा साइड भी आयरन का बनाएंगे। सो गाइस, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे रिपेयर करना पड़ेगा तो मुझे सिर्फ एक आयरन इंगट की जो है वो ज़रूरत होगी इसको रिपेयर करने के लिए, और अगर मैं एनवल से रिपेयर करता तो मुझे 3 जो है वो आयरन इंगट लगेंगे। सो वर्क बेंच का यही फ़ायदा है कि मैं एक आयरन इंगट से जो है पूरी पिकैक्स को रिपेयर कर सकता हूँ। और उसके बाद गाइज हम आगे इसको जो है पिकैक्स को अपग्रेड करेंगे, बट उसके लिए मुझे हमें कुछ डायमंड चाहिए होंगे, तो मुझे अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने आइटम्स को जो वो सॉर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर माइंस में चलते हैं, वहाँ से डायमंड माइनिंग करते हैं, और उसके बाद इस पिकैक्स को अपग्रेड करते हैं, और मैं भी फिर हम अपना एपिसोड जो है वो यहाँ पे एंड कर देंगे। सो चलो गाइज आइटम सॉर्ट करते हैं। ओके गाइज, आइटम सॉर्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ नीचे, और यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा पहला डायमंड। और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये भी टेट्रामोड से है, तो हम आगे इसका जो है नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यूज़ करेंगे। बेसिकली गाइस ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हम अपने ओस को जो है वो डबल कर सकते हैं, वहाँ पे फॉर्ज कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। तो इस मॉड के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब अभी आपको समझ नहीं आएंगी, और उसके बारे में आपको जब आगे एपिसोड आएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद गाइस सारे जो है वो सेटअप इसको करेंगे, तो बेसिकली ये सिमिलिटरी सेटअप बनेगा इससे, तो मतलब काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इससे बनने वाली हैं आगे जाके, तो वो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। ओके गाइस, तो अब हम अपनी आयरन की पिकैक्स को डायमंड पिकैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड हमारा डायमंड का हो चुका है, और उसके बाद हम दूसरे साइड को भी जो है वो डायमंड का बना देंगे। और उसके बाद गाइस अब मैं सिर्फ एक डायमंड से इस पूरी पिकैक्स को जो वो रिपेयर कर पाऊंगा, और आगे जैसे जैसे हम इस पिकैक्स को जो है वो यूज़ करेंगे तो इसकी और जो है नए नए फीचर्स इसमें आते रहेंगे, और इसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी और इन सारी चीज़ों को जो वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसे आयरन की पिकैक्स को रिपेयर करता हूं, तो जैसे कि आपने देखा सिर्फ एक इंगट से हमारी पूरी पिकैक्स रिपेयर होगी, हालांकि अगर हम एनुअल से करते तो हमें 3 इंगट्स लगते। तो या गाइस ये इस तरह से काम करता है। सो गाइस अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं, तो बट उसके लिए हमें चाहिए यहां पे ये क्रिस्टल, लोरेन क्रिस्टल। ओके, तो लोरेन क्रिस्टल हमें मिल चुका है, अभी मैं आपको कुछ एक चीज़ बनाना सिखाऊंगा। सो चलो चलते हैं बेस पे। तो अगर मैं 4 आयरन के साथ इसको रखूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा शुरिकेन, और ये शुरिकेन क्या करता है गाइज, ये हमें एज ए वेपन हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको फेंक सकते हैं, बट गाइज अभी जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है और हम इसको सिर्फ 32 टाइम्स और यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक सेकेंड मुझे माइन में जाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे माइंस में आएँ और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए, हमें स्टेलर और चाहिए, तो यहाँ पे स्टेला और है, अगर हम इसको माइन करें, और इसको माइन जो है वो बहुत ही संभल के करना गाइस, क्योंकि ये ब्लास्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो हमें थोड़ा दूर से जो है इसको माइन करना है। ओके, तो इसको माइन करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्टेलर और। ओके, तो अब हम चलते हैं वापस बेस के ऊपर, और उसके बाद हमें वेट अ सेकेंड, हम चलते हैं अपने बेस के ऊपर, और उसके बाद आई थिंक कि मेरे पास ऑर्ब्स हैं। ओके,
सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक स्मिथिंग टेबल आई थिंक। ओके, स्मिथिंग टेबल बनाने के लिए चाहिए मुझे 4 वुड और 2 आयरन की इंगेट। तो हमारा स्मिथिंग टेबल बन चुका है, अब स्मिथिंग टेबल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, स्मिथिंग टेबल हमारा यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो अपग्रेड करेंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पे ऑर्ब्स, और उसके बाद अगर मैं 4 ऑर्ब्स को जो है चार ऑर्ब्स को यहाँ पे डायमंड पैटर्न में रखूँ, और उसके बाद जहाँ पे हमें स्टेलर ऑर्ब जो मिली है तो अगर मैं इसको बीच में रखूँ तो यहाँ पे हमें मिलेगा इटर्नल स्टेला। और ये इटर्नल स्टेला जो है ये गाइस किसी भी टूल को जो है इनडिस्ट्रक्टिबल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि गाइस अब इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो चुकी है। अब मैं कुछ भी करूँ ये कभी टूटेगा नहीं, और उसके बाद हमें ये अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी इसकी मिल जाएगी। सो या गाइस बेसिकली ये इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है, और मतलब हम इसको कभी भी ये टूटेगा नहीं। और उसके बाद अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, हमें चाहिए कोई मॉब तो हम इसको वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे ये स्पाइडर है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ हमें नॉकबैक भी मिलता है, और उसके बाद ये स्पाइडर ख़त्म। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ये एरो का काम करता है, और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं स्केलेटन को हम इसको आराम से जो है वो मार देंगे। सो या गाइस ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो चलो गाइस चलते हैं वापस बेस के ऊपर। सो गाइज आई थिंक कि मेरे पास आज इस एपिसोड में बस इतना ही टाइम था। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे कहीं से नए आ गए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत जल्दी आएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मे बी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो या गाइज आज के एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।